चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन में? बेटा बताओ, प्रदीप कुमार कल कहाँ तक हो गया था दोस्तों? कौन सा पॉइंट? सॉफ्टनिंग पॉइंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया था? नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट का हुआ था, सॉफ्टिंग पॉइंट हो गया था। चलो बढ़िया। अगला लिखते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट। नेक्स्ट वन क्या जी? हाँ, प्रॉपर्टीज में ही है ये। बिटुमेन का टेस्ट चल रहे हैं, जो बिटुमेन है उसके टेस्ट के लिए है। तो अगला आता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश एंड जो भी प्रॉपर्टी, जो भी टेस्ट है, नंबर डाल दीजिएगा। फ्लैश एंड फायर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। अब फ्लैश एंड फायर पॉइंट से आपको क्या समझते हैं, मैं समझने को मिलता है, मतलब इस नाम को ही अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो व्हाट डज इट मीन? ये नाम मुझे क्या बताता है, जरा इस बात के बारे में बात करेंगे पहले। तो मतलब कहाँ पर वो उसमें आग लग सकती है और कहाँ तक वो गर्म होता है? हाँ, या ना कुछ ऐसी बातें बता रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में जानना है। तो पहले लिखिए, एट अ हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर बिटुमिन बिकम्स वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब जानते हैं आप लोग? क्या मतलब होता है वॉलेटाइल का बताइए। अरे मैं नंबर स्पेलिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं व्हाट इज द मीन ऑफ वॉलेटाइल। इसको छोड़ो, तुम वॉलेटाइल का मतलब बताओ। तुम वॉलेटाइल का मतलब बताओ मुझे। हेलो, तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या काय में फॉर्म चेंज होने लगता है? तुमको वॉलेटाइल का मतलब नहीं पता?
इवैपोरेशन स्टार्ट हो। हाँ, कोई भी चीज जिसका अगर मैं हाई टेम्परेचर पे उसको रखूं, जो कि कुछ भी ना छोड़ते हुए, समझ रहे, कुछ भी ना छोड़ते हुए पूरा का पूरा इवैपोरेट हो जाए हाई टेम्परेचर में, दैट इज कॉल्ड एज वोलेटाइल। जैसे कि हम लोग एनवायरमेंट के अंदर एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग टोटल सॉलिड्स वगैरह निकालते हैं, तो पहले हमने क्या किया, पानी को छाना। छानने के बाद जो सस्पेंडेड सॉलिड थे, जो दिखते हैं हमें, जो बड़े हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं। अब कुछ सॉलिड कैसे हैं, डिजॉल्व सॉलिड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इवैपोरेशन करेंगे। अब पानी से इवैपोरेशन करते हैं, इवैपोरेशन कितने पे होता है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी इवैपोरेट होने लगता है, मतलब गर्म होने लगता है, बॉयल होने लगेगा, धीरे धीरे अपर सरफेस से इवैपोरेशन होने लगेगा। हाँ, है ना, पूरा का पूरा वो वेपराइड होता है, बाकी अपर सरफेस से इवैपोरेशन होता है तो पूरा का पूरा पानी ऊपर निकलने लग जाता है। पता है इतना आपने। अब क्या हुआ, कुछ मात्रा में वो सॉलिड छोड़ के जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा इवैपोरेट नहीं हो पाएगा। अब उसको जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो उसमें जितने भी कार्बन वाले पार्टिकल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। बाकी जो बचा कुचा है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब वो कभी भी इवैपोरेट नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है मेरा बात। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या बोला है, वोलेटाइल। चलिए, तो कहाँ तक लिखा अभी हम लोगों ने, इसके आगे लिखेंगे, एट हायर टेम्परेचर बिटुमिन बिकम्स वोलेटाइल एंड दस। अब अगर कोई चीज़ वोलेटाइल है तो वो क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी, पेपर देखा है, पेपर, पेपर। अब पेपर के ऊपर वो चश्मे वाला तुमने एक्सपेरिमेंट किया कभी, कि सन के लाइट में चश्मे को रखा, चश्मे से एक लेयर रे आ रही है, उस पेपर पे पड़ रही है, पहले वो लेयर रे होती है, उसको वो जलाने की कोशिश, मतलब गर्म कर रही है, टेम्परेचर हाई कर रही है उस पेपर का, एकदम से उसमें आग लग जाती है। तो ऐसी बिटुमिन में क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर हाई करोगे, हाई करोगे, हाई करोगे, अब बिटुमिन क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, और एकदम से वो पकड़ लेगा क्या, फायर पकड़ लेगा। समझ में आ रही है बात, उसी चीज को बोल रहे हैं। तो लिखेंगे एट हायर टेम्परेचर बिटुमिन बिकम्स वोलेटाइल एंड दस कैचेस फायर, एंड दस कैचेस फायर, FIRE, एंड दस कैचेस फायर, फायर, फुल स्टॉप। दस इट इज नेसेसरी दैट, Does it is necessary that we quantify this temperature? Does we quantify this temperature for each grade of bitumen, full stop। तो इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, पहला लिखेंगे the flash point is the lowest temperature in degrees at which the application of test flame at which the application of test flame causes the vapor from bitumen to catch fire
बिटुमिन टू कैच फायर मोमेंटरीली मोमेंटरीली इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैश इन द फॉर्म ऑफ द फ्लैश द सेफ लिमिट फुल स्टॉप लगा के नीचे पॉइंट में लिखेंगे द सेफ लिमिट द सेफ लिमिट द सेफ लिमिट फॉर हीटिंग बिटुमिन इज नॉर्मली 50 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्लैश पॉइंट इज नॉर्मली 50 डिग्री बिलो द फ्लैश पॉइंट बिलो द फ्लैश पॉइंट बिलो द फ्लैश पॉइंट ठीक है अगला लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है हमको पता है काय का लिखा है थे स्पेसिफिक ग्रेविटी छोटू बताइए बेटा छोटू बताइए काय का लिखा है थे किसी और को भी डाउट है ये कि लिखवाए थे अब क्यों लिखवा रहे हो बताइए विटामिन का लिखवाए थे वो काय का लिखवाए थे वो काय का लिखवाए थे बताइए अरे जी बताइए वो काय का लिखवाए थे ये काय का लिखवा रहे हैं किसने बताया तुमको तुमको किसने बताया कब बताए थे पक्का एग्रीगेट का लिखवाए थे और नहीं लिखवाए होंगे तो एग्रीगेट का ही पक्के पे हाँ अगर झूठ बोले तुम तो अगर तुम्हें नहीं पता हुआ तो एग्रीगेट का अगर वो नहीं हुआ तो फिर तुम याद रखना फिर मत बोलना कि सर आपने ये एग्रीगेट का था झूठ बोल रहे हो मुझसे ही सही बताओ तुमको किसने बताया आगे पीछे दाएं बाएं किसने बताया तुमको याद आया इसको कि किसी ने बताया इसको बताओ हाँ लगता तो नहीं कि तुमको याद आ गया तुम्हारी कॉपी के पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारी कॉपी के पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है अरे देखो मत अरे छोड़ दो उसको बिना देखे तुम्हारी कॉपी के पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है तुम्हें जब ये नहीं पता कि तुम्हारी कॉपी के पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है तो तुम ये कैसे बता पाओगे क्या लिखा हुआ है पहले पेज पे? तो बताओ अब देख के तुम्हें पता करना पड़ रहा है कि सब प्लेन है हाँ क्यों छोटू बताओ आज कहाँ से पढ़ना चालू किया है हाँ इधर इधर सामने देखिए आज पढ़ना कहाँ से चालू किया है आज सबसे पहली हेडिंग क्या डाली है बताओ उधर मत देखो इधर देखो सामने और बताओ वो तो उधर देख लिया तुमने अब तुम जब सामने देख के ये नहीं बता पा रहे हो है छोटू मतलब समझो जरा तुम क्या कर रहे हो जिंदगी में तुमको ये मतलब ये क्वेश्चन था कि सर कल लिखवा चुके हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भैया ये बिटुमिन पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सॉइल सबग्रेड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हम लोगों ने सबसे पहले टेस्ट जब चालू किए थे सॉइल सबग्रेड पढ़ा था दूसरा हम लोगों ने एग्रीगेट पढ़ा था क्यों छोटू पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था और तीसरा छोटू हमने क्या पढ़ा था बेटा सिर्फ छोटू बताएगा बिटुमिन पढ़ा था बीच में एक और कुछ पढ़ा था बेटा छोटू याद करो एक छोटा सा था ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन था कुछ था कि नहीं था
हाँ अरे पहले तो यही बता दो, था कि नहीं था? था, बोलो हाँ। अरे था कि नहीं था? याद नहीं। अरे वही तो दिक्कत है। तो तीसरा कोई कुछ क्या पढ़ा तुम, कुछ याद करो फिर। चलो तीसरे के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? विटामिन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? और दूसरे एग्रीगेट विटामिन के बीच में कुछ नहीं पढ़ा तुमको? ये याद ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा? सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? हाईवे। पक्का? हाईवे में क्या पढ़ रहे हैं हम? हाईवे मटेरियल। चलो कम से कम ये तो पता है, नहीं तो यही नहीं पता हो कि पढ़ क्या रहे हैं सर हम लोग। कि सर पढ़ रहे हैं बस, कछु तो पढ़ रहे हैं सर, कछु पढ़ रहे हैं सर, जान राम जाने के क्या पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन। लिखिए, पहली बात इसको डिटरमाइन किया जाता है। किससे डिटरमाइन करेंगे बताओ? बताओ बताओ। डिटरमाइन बाय, बोलो हाँ बोलो, किस मेथड? अब तो बोल दो, पूरा लिखने के बाद भी ना बोल रहे। पिकनोमीटर मेथड हम लोग और कहाँ पढ़ते हैं? सॉइल के अंदर। पिकनोमीटर मेथड हम कहाँ पढ़ते हैं? और सॉइल के अंदर। तो डिटरमाइंड बाय पिकनोमीटर मेथड, ठीक है। एंड अब एट 27 डिग्री सेल्सियस द स्पेसिफिक ग्रेविटी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन इज 1.00। जनरली जनरली रेंज की बात की जाए, अगर रेंज की बात मैं करूं कि रेंज कितने कहां से कहां तक होगी, तो वो होती है 0.97 से लेके 1.02। अगर बात की जाए रेंज की, तो रेंज कहां से कहां तक होती है? 0.97 से लेकर 1.02 तक। और इसी में पढ़ते हुए अगर मैं टार की बात कर लूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर टार, तो वो होती है 1.10 से लेकर 1.25 तक। 1.10 से लेकर 1.25 तक। हो गया। अगली बात आती है सॉल्युबिलिटी की। क्या? सॉल्युबिलिटी की। अगली बात आती है सॉल्युबिलिटी की।
इट इज मेजर बाय सॉरी इट इज मेजर्ड बाय सॉल्युबल इन अ ट्राइक्लोरो इथाइलीन ठीक है। प्योरिटी चेक करते हैं और प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, अ मिनिमम मिनिमम नाइन्टी प्योरिटी इज रिक्वायर्ड, कम से कम 99% प्योरिटी रिक्वायर होती है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ भी मिक्स कर दिया, इसीलिए बिटुमिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, टॉप लेयर पर रहता है ना। समझ आ रही बात, सही बताओ। हो गया, अगला आता है फ्लोट टेस्ट। फ्लोट टेस्ट इतना हो गया ना सबका, बोलो बोलो। अगला आता है फ्लोट टेस्ट, फ्लोट टेस्ट। जनरली जनरली फॉर द कंसिस्टेंसी पेनिट्रेशन टेस्ट एंड विस्कोसिटी टेस्ट आर डन क्या किया जाता है, दो टेस्ट किए जाते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड विस्कोसिटी टेस्ट, जो कि दोनों के दोनों हम लोग कहीं ना कहीं देख चुके हैं कल क्लास में। But for the small quantity of consistency
ऑफ कंसिस्टेंसी फ्लोट टेस्ट फ्लोट टेस्ट इज डन फ्लोट टेस्ट इज द मॉडिफाइड वर्जन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विस्कोसिटी टेस्ट. विस्कोसिटी टेस्ट काय का मॉडिफाइड वर्जन है दोस्तों? विस्कोसिटी टेस्ट का. तो करने के लिए तो हम लोग कुछ ना कुछ उसी टाइप की चीजें करेंगे. हाँ है ना? नीचे लिखेंगे. हुआ? करते क्या है, इसके अंदर एक कंटेनर लेते हैं. एक कंटेनर लेते हैं छोटा सा और इसके अंदर भरते हैं पानी. इसके अंदर क्या भर देते हैं? पानी. ठीक है, इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? पानी. इसके अंदर डालते हैं एक मोल्ड, पर्टिकुलरली जिसके अंदर भरा रहता है, मतलब मोल्ड नीचे आ गया, सॉरी. इसके अंदर डालते हैं एक मोल्ड जो नीचे से क्या होता है, कटा हुआ एक होल रहता है इसमें. इसमें भर देते हैं क्या? बिटुमिन. और बिटुमिन को कौन से टेम्परेचर पर? 50 डिग्री तक पे क्या होता है वो? गर्म. तो जब भी कभी पानी, भाई हार्ड हार्ड होगा ना बिटुमिन, तो जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा हार्ड होगा, तो क्या वो पानी को अंदर जाने दे रहा होगा विटामिन, क्योंकि इसके अंदर है? नहीं. लेकिन जैसे जैसे विटामिन गर्म होगा, हम जितना गर्म वाला डालेंगे, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस वाला डाला, तो वो क्या हो जाना चाहिए? फ्लूड बन जाना चाहिए, मतलब पानी क्रॉस करके ऊपर आ जाए और कटोरा नहीं, मतलब उतना नीचे नहीं जाता, फ्लोट करने लगता है. लेकिन विटामिन क्या है? फ्लोट करने लगेगा अपने आप ही. समझ में आ रही बात? उसी को बोल रहे हैं हम लोग. लिखेंगे इसमें नीचे, it is the time in seconds required for a small plug plug small plug of chilled bitumen comma which is held in an open mold attached to it. Which is held in an open mold attached to the bottom of a saucer.
सॉसर, ये कटोरी बेटा जिसमें चाय पियोगे तुम, है ना? सॉसर इसी को बोलते हैं ना, सॉसर। नीचे लिखिए कॉमा टू बिकम सफिशियंटली फ्लूड, कॉमा टू बिकम सफिशियंटली फ्लूड, टू बिकम सफिशियंटली फ्लूड व्हेन द सॉसर इज फ्लोटेड इन वॉटर, व्हेन द सॉसर इज फ्लोटेड इन वॉटर, इन वॉटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, फ्लोटेड इन वॉटर, सॉसर इज फ्लोटेड इन वॉटर, सॉसर इज फ्लोटेड इन वॉटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलो बढ़िया। अगला लिखेंगे वाटर कंटेंट टेस्ट। अगले पे आएंगे और अगला लिखेंगे वाटर कंटेंट टेस्ट। The next one is water content test, water content test लिखिएगा। It is desirable that the bitumen contains, it is desirable that the bitumen contains, it is desirable that the bitumen contains minimum water content to prevent to prevent foaming of bitumen, to prevent foaming of bitumen, to prevent foaming of bitumen, foam बन जाना उसका, झाग नहीं जानते हो। आगे लिखिए when it is heated above the boiling point of water, when it is heated above the boiling point of water, अब अगर इसमें बिटुमिन में पानी मिला हुआ भी है, वाटर कंटेंट अगर है भी, तो हम लोग क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, जितना भी वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ कहां तक पहुंचे हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट किसका? अरे बिटुमिन का। अब बिटुमिन का वाटर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वाटर से कि कम? ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वाटर का तो बहुत पहले ही आ चुका, तो वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे एवोपरेट हो जाएगा, सिर्फ क्या छोड़ेगा, बिटुमिन। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत वाटर अंदर ही अंदर रह गया, तो वो जो रह गया वो भी ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 0.2% बाय वेट। तो नीचे लिखेंगे द मैक्सिमम वाटर कंटेंट, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट वाटर कंटेंट in a bitumen should not exceed 0.2% by weight, 0.2% by
वेट 0.2% बाय वेट क्लियर है यहां तक चलो बढ़िया अगला आइए कटबैक विटामिन सीओटी कटबैक बीएसी के कटबैक विटामिन सब सब कुछ टेस्ट में ही चल रहा है अब टाइप में आ गए हम लोग कटबैक विटामिन ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं हम लोग करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेकिन क्या क्लास में नहीं करा पाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलने में और यहाँ टाइम खराब करने में मतलब खराब तो नहीं इन द सेंस लेकिन उसमें बहुत समय चला जाता है तो उसको हम लोग प्रॉपरली मतलब दे के तुम लोगों को उसकी मदद से करेंगे है ना पहले एक छोटा सा एक टेस्ट क्या क्या याद रहा जो याद नहीं रहा उस बिहाव पे पिछला वाला टेस्ट हो गया था ना हाईवे का तो वो दिखाया नहीं तुम लोगों ने कैसा क्या रहा कितने नंबर आए कुछ आए थे कि नहीं आए थे कुछ कुछ तो आए होंगे है ना जो हमने पढ़ा कुछ तो वहाँ से था होगा ही होगा कि नहीं था कुछ भी क्या था कंफर्ट की तो कंफर्ट और सेफ्टी भी अलग अलग चीजें हैं क्या दोनों तो मिक्स कर दिया होगा उन्होंने छोड़ो हाँ और हो जाता कहीं से कई बार इधर से उठाए जाते हैं तब वो दिक्कत आ जाती है उसमें बता देना कौन कौन से थे ठीक है चलो कटबैक विटामिन कटबैक विटामिन इज अ टाइप ऑफ विटामिन और इसके बारे में बात करेंगे हाँ नहीं थोड़ी देर से देना लास्ट में द विस्कोसिटी ऑफ विटामिन इज रिड्यूस्ड बाय अ वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट्स द विस्कोसिटी ऑफ विटामिन द विस्कोसिटी ऑफ विटामिन इज रिड्यूस्ड बाय अ वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट डाइल्यूएंट्स रिड्यूस्ड मैं धीरे बोलता हूँ आज है ना रिड्यूस्ड बाय अ वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट्स कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे विस्कोसिटी को रिड्यूस किया जाता है विस्कोसिटी रिड्यूस करना चाहिए कि इंक्रीज करना चाहिए तो सही लिखा है ना फिर इंक्रीज तो नहीं करना है अच्छा उसको छोड़ो नहीं रिड्यूस करें कि इंक्रीज करें क्यों विस्कोसिटी बढ़ेगी तो फ्लूड कंडीशन में आएगा बहने लगेगा ज्यादा और क्या हम चाहते हैं नहीं हम नहीं चाहते हैं हाँ है ना टेम्परेचर सुना होगा कि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो रोड का डामर पूरा का पूरा ही क्या कर जाएगा गल जाएगा आपको क्या लगता है सीमेंट कंक्रीट की तरफ हम लोग क्यों जा रहे हैं धीरे 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 एक ये भी रीज़न है क्योंकि दिन ब दिन टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है हाँ है ना गर्म देखा है ना आपने गर्म गर्म जब डामर डलता ही डलता है रोड पर तो चिपकता है हमारे पैरों में हाँ है ना चलिए तो लिखेंगे इसमें कटबैक विटामिन्स आर अवेलेबल इन थ्री टाइप ये वो विटामिन है कटबैक विटामिन्स आर दोज विटामिन हुज रिड्यूसेस द विस्कोसिटी ऑफ विटामिन है ना लिखिए कटबैक विटामिन्स आर अवेलेबल इन थ्री टाइप पहला होता है रैपिड क्यूरिंग जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरसी के नाम से जाना जाता है दूसरा होता है मीडियम क्यूरिंग जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसी के नाम से जाना जाता है और तीसरा होता है रैपिड मीडियम एंड स्लो क्यूरिंग पूरा नाम क्या हो जाएगा रैपिड क्यूरिंग कटबैक विटामिन अरे यार तुम तो लिखने पर पड़े हुए हो मीडियम क्यूरिंग कटबैक विटामिन और स्लो क्यूरिंग कटबैक विटामिन इसको शॉर्ट फॉर्म में
एससी के नाम से बुना जाएगा। तीन टाइप के होते हैं, क्लियर है? नीचे लिखेंगे तीनों के नाम लिखने के बाद, द कटबैक्स आर डेसिग्नेटेड बाय न्यूमरल्स, द कटबैक्स आर डेसिग्नेटेड बाय, द कटबैक्स आर डेसिग्नेटेड बाय न्यूमरल्स, एन यू एम ई आर ए एल एस, न्यूमरल्स रिप्रेजेंटिंग प्रोग्रेसिवली, रिप्रेजेंटिंग प्रोग्रेसिवली, रिप्रेजेंटिंग प्रोग्रेसिवली थिकर और विस्कस कटबैक, रिप्रेजेंटिंग प्रोग्रेसिवली थिकर और विस्कस कटबैक, विस्कस कटबैक ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल RC2, फॉर एग्जाम्पल RC2, RC2 कहने का मतलब क्या? देखो कहीं लिखा हुआ है RC2, कहीं लिखा हुआ है RC1, तो जो लाइन अभी लिखवाई है उसके बिहाफ पर कौन ज्यादा विस्कस है, कौन ज्यादा कम, कौन कम विस्कस है, अगर पूछ लिया गया कभी तो बताइए। अभी हमने क्या लिखा कि जो न्यूमरल्स है वो क्या बता रहे हैं? हाँ, प्रोग्रेसिवली क्या बताएंगे? थिकर बिटुमेन को, हाँ है ना? तो इसमें कौन ज्यादा थिकर होगा, कौन कम? अगर मैं लिखूं RC2 ज्यादा थिकर है कि ये, तो RC2 ही ज्यादा विस्कस होगा, थिकर मतलब विस्कस, हाँ है ना? तो इसी को लिख रहे हैं हम लोग, RC2 इज अ मोर विस्कस, RC2 इज मोर विस्कस, ब्रैकेट में लिखना थिक, देन RC1, देन RC1, देन RC1 लिखा। आप अगर किसी जगह लिखा हुआ है तीन टाइप के, एक लिखा हुआ है RC2, MC2 एंड SC2, एक सेकेंड है ना, एक जगह लिखा हुआ है RC2, MC2 एंड SC2, इसमें कौन ज्यादा विस्कस, कौन कम विस्कस? नहीं, ऑल आर सेम, ऑल हैव सेम विस्कोसिटी, ऑल हैव सेम विस्कोसिटी, कहने का मतलब क्या? देखो ये रिएक्शंस हैं, ये एक्चुअली वो रैपिड करता है, एकदम से रिड्यूस कर देगा, ये थोड़ा धीरे धीरे करेगा, ये थोड़ा और धीरे धीरे करेगा, हाँ है ना? लेकिन इसमें ही अगर मैं ये लिखता हूं कि RC1 और RC2, तो RC2 जो है वो ज्यादा विस्कस होगा, RC3 और ज्यादा विस्कस होगा, RC4 और ज्यादा विस्कस होगा। ऐसी अगर मैंने लिखा कि MC के बारे में, तो MC1, MC2, MC3, MC3, तो इसमें क्या हो रहा है, विस्कोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं इनको तीनों को इकट्ठा लिखना चाहता हूं, मतलब RC का भी एक टाइप लिया, MC का भी एक टाइप लिया और SC का भी एक टाइप लिया, लेकिन बशर्ते वो तीनों टाइप सेम हो, तो क्या होंगे, सेम विस्कोसिटी लिखेंगे इसमें नीचे। बट RC2, MC2 एंड SC2 हैव सेम विस्कोसिटी, क्लियर? पहली छोटी सी एडिंग डालेंगे, RC कटबैक बिटुमिन, छोटी सी एडिंग यहां पर, RC कटबैक बिटुमिन, नाम समझ में आ रहा होगा, पूरा नाम रैपिड क्यूरिंग
कटबैक विटामिन, रैपिड क्यूरिंग, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं उनकी बातें करेंगे, बात कर रहे हैं। रैपिड क्यूरिंग कटबैक विटामिन या आरसी कटबैक विटामिन लिखा, इसमें लिखिए दे हैव पेनिट्रेशन वैल्यू, दे हैव अ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ 82, मतलब 80 से लेकर 80 to 120। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए पेट्रोलियम सच एज नेप्था और गैसोलिन, एग्जाम्पल याद रखेंगे, नेप्था और गैसोलिन ठीक है। दूसरा लिखेंगे, सेकंड में आएंगे, आगे लिखेंगे एमसी कटबैक लिखिएगा दे हैव गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज, गीला करने की है ना, दे हैव गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज वेटिंग प्रॉपर्टी समझते ना, जिसे गीला किया जा सकता है, दे हैव गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, लिखो केरोसिन एंड लाइट डीजल, डीजल ऑयल ही है ना भैया, क्यों छोटू, डीजल और पेट्रोल ऑयल है कि नहीं है, तेल है, हाँ डीजल और पेट्रोल तेल में ही माने जाएंगे पक्का, और सरसों का वो भी तेल है, तो ऐसा बोलते सुनाई नहीं मैंने, पेट्रोल तेल दे दो, डीजल तेल दे दो, ये जो सुना है कि सरसों का तेल दे दो, नारियल का तेल दे दो, फिर ऐसा क्यों छोटू, इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रोल ऑयल, ऐसा कहाँ बोलते हैं, ऑयल तो भाई गाड़ी में पेट्रोल अलग डलवाते हैं, ऑयल अलग डलवाते हैं, नहीं डलवाते कि नहीं डलवा, सही बात है कि नहीं, तो ऑयल पेट्रोल किसी ने बोला है आज तक जाके कि पेट्रोल ऑयल डाल दो, तो फिर कैसे, ये तो गलत लिखवा रहा हूँ मैं, क्यों छोटू बताओ, छोटू बेचारा परेशान है, बोले मुझसे ही पूछते हो, किसी और से पूछ लिया करो कभी, लिखो एससी कटबैक, कल पता करके आना छोटू ऐसा क्यों, ठीक है, लिखो एससी कटबैक, लिखिए दीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय blending bitumen with high boiling point, gas oil or by controlling the rate of flow and temperature
द रेट ऑफ फ्लो एंड टेम्परेचर ऑफ क्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ रिफाइनिंग. क्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ रिफाइनिंग. अगला आइए टार, टी ए आर टार. अगला लिखिए टार. हाँ जी टार लिखिए. टार कैन बी प्रोड्यूस्ड इन थ्री स्टेजेस. टार कैन बी प्रोड्यूस्ड इन थ्री स्टेजेस. टार कैन बी प्रोड्यूस्ड इन थ्री स्टेजेस. पहला कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल to produce crude tar. लिखा to produce crude tar. सेकंड लिखिए refining or distillation of crude tar. Refining or distillation of crude tar. लिखा. Third, blending or distillation residue with distillation oil fraction to give desired road tar. Of desired road tar. क्लियर है मेरी बात? अगला लिखेंगे टार एंड बिटुमिन में कंपैरिजन. दुकान पे चले जाना, ये थोड़ी सी जो दुकानें होती हैं रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह की, वहाँ जाके पूछ लेना, दिखा देंगे वो लोग. हाँ, पिक्चर देखने गए हो? मूवी देखने गए हो? कभी गए हो? कौन सी गए थे? हाँ, बताओ कौन सी. हाँ वही तो पूछ रहे हैं. कश्मीर फाइल कहाँ पे गए थे? भोपाल के सामने. ठीक है, उसमें एक ऐड आया होगा. आया होगा, मुझे याद है, आता है. तुमने देखा है? हाँ, काय का होता है? गुटखा का होता है? काय का होता है?
सिगरेट का होता है, देखे हो वो ऐड, बोले इतना पियोगे तो वो फिर वो तुम्हारे फेफड़ों में, वो टार बोले फेफड़ों को भी निचोड़ के भी दिखाते हैं वो, फिर वो निकाल के दिखाते हैं वो टार बन जाएगा, समझते हो? अब समझ में आया? वही होता है टार। तो हर एक इंसान जो जो ऐसी हरकतें करता है गंदी वाली, उनसे निकलवा लेते हैं टार पूरा का पूरा। क्रूड ऑयल जो होता है, आप लोगों ने क्लास, मुझे याद नहीं रहा, 7th या 9th का होगा आपका, जिसमें आपने पढ़ा होगा। तो क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल में से प्रभासी आसवन, प्रभासी आसवन बोलते हैं कुछ ऐसा वर्ड है, हाँ डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा होगा, प्रभाजी आसवन या प्रभासी आसवन कुछ बोलते हैं, है ना, मुझे याद भी नहीं रहा, बहुत पहले पढ़ा था। तो वो पूरी प्रोसेस है, पूरा का पूरा हीटिंग प्रोसेस होती है अलग अलग जगह, अलग अलग जगह उसमें से, मतलब एक तरह से बॉयलर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो उसमें से क्रूड ऑयल में से कई सारी चीज़ें निकलती हैं, पेट्रोल भी उसी में से निकलता है, डीजल भी उसी में से निकलता है, वैक्स भी उसी में से निकलता है, मोम, ठीक है, मतलब ये वाला लोकल नहीं, ठीक है, टार भी उसी में से निकलता है, ठीक है। तो जनरली एक जैसा ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन विस्कोसिटी का मेनली डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा, तो प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस आ जाता है, समझ में आ रही है बात? तो दैट इज़ कहीं ना कहीं आप टार उसको समझ सकते हैं जो आपकी बाइक से, बाइक में जो आपने ऑयल डलवाया हुआ था, ठीक है, तो वो जो ऑयल पूरा का पूरा जल गया, आपने 4-6 महीने बाइक चला ली, बिल्कुल बिल्कुल हद तक चला ली, उसके बाद जब निकलेगा तो दैट इज़ कॉल्ड एक तरीके से टार जैसा होता है वो, है ना, बात सही। वो ऑयल जो आपके डाला जा रहा है वो भी क्या है, एज अ लिब्रिकेंट डाला जा रहा है, वो भी उसी विधि से निकाला जाता है, ठीक है। काहे होगा, कल लेके आओ खरीद के एक एक किलो, आज जाना, जो भी होता है छोड़ो, तुम देखने के लिए टार खरीद के लेके आओ, तुम कल एक किलो बोले, 1 लीटर सर ये विटामिन है, 1 लीटर ये टार है, कल लेके आ जाओ ना, बोले ले आओगे, हाँ कल यहीं देखेंगे अपन कौन ज़्यादा विस्कस है, कौन कम विस्कस है, टेम्परेचर गैस वैस हम मंगा लेंगे, तुम टार लेके आओ पहले, ठीक है, बोले आ जाएगा। अब कल लेके आना तुम्हारी जिम्मेदारी, कल तुम बेटा नहीं लेके आए टार को, तो तुम कहाँ से क्या खरीद के, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप्स जो होती हैं वहाँ मिल जाएगा, रोड मटेरियल की शॉप्स होती हैं वहाँ मिल जाएगा। अब 1 लीटर देते हैं कि नहीं देते वो तुम्हारी दिक्कत है, लेकिन लेके ज़रूर आना, तुमको 1 लीटर ही लेके आना है यहाँ, भली खरीदना तुमको ज़्यादा पड़े, खरीद लो पूरा का पूरा तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, टार एंड बिटुमिन। देखिए बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पहला पॉइंट, बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट Bitumen is a petroleum product, whereas tar is produced by tar is produced by destructive distillation of coal or wood. Coal or wood. Coal or wood. लिखा coal or wood. नीचे लिखिए bitumen is soluble in a bitumen is soluble in a
बिटुमिन इज सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड. बट टार इज सॉल्युबल इन ओनली, बट टार इज सॉल्युबल इन ओनली इन ओनली टोलुइन. In a toluene, TOLUENE. हुआ? लिखिए. बिटुमिन इज मोर रेसिस्टेंस देन वॉटर. बिटुमिन इज मोर रेसिस्टेंट देन वॉटर रेसिस्टेंट टू वॉटर देन टार. रेसिस्टेंस टू वॉटर देन टार. रेसिस्टेंस टू वॉटर देन टार. रेसिस्टेंस टू वॉटर देन टार. लिखा. Resistance to water than tar. आगे. Tar is more temperature. Tar is a more temperature. Tar is a more temperature susceptible. SUS CEPTIBLE more susceptible, resulting in great variation, resulting in a great variation, resulting in a great variation resulting in a great variation in viscosity with temperature, in a viscosity with a temperature. Full stop. The free carbon content is more, the free carbon content is more, is more in tar, in a tar, in a tar as seen from solubility test, is seen from solubility test. दो मिनट रुकिएगा.
नेक्स्ट लिखिए मिक्स डिजाइन मेथड, मिक्स डिजाइन मेथड के पहले रुकिएगा जरा, एक तो क्वेश्चंस देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। 600 बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हुआ क्वेश्चन लिखो बेटा, बातें ना करो। चलो अभी है नहीं, छोटे छोटे हैं बहुत अभी तो। हाँ हेडिंग जो लिखी थी उसके बाद आते हैं। क्या हो गया छोटू बेटा तुमको, किसने तो छोटू तुम इतना जल्दी में क्यों रहते हो, तुम्हारी समस्या ही तो ये है। हाँ चलो अगली क्वेश्चन लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे, अगली के हेडिंग डालेंगे, सब नहीं डालेंगे। हेडिंग डालेंगे जल्दी से, इसके अंदर हमें आगे जो जाके पढ़ना है उसकी बातें देखनी है हमें। ये डाली कि नहीं डाली पहले तो ये बताओ। ये डाली कितने लोगों ने डाली पहले तो लिखो, लिखो प्रभु लिखो। अजब नमूने हैं मेरी क्लास के लिख भी लिया उन्होंने, ये नहीं पढ़ रहे कि लिखा क्या है, मतलब क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे ये नहीं देख रहे हैं। क्या लिखा है लिख लिया उन्होंने तो, जो बोल रहे हैं वो चलने दो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लिख रहा है पट्टा
मतलब ठीक है जो चल रहा है वो चलने दो। लिखेंगे देयर आर डिक्स डिजाइन मेथड, तेरे ही नाम लिखा था वो। अरे तो ऐसे ए लिखने की जरूरत थी क्या? ऐसे भी लिख देते तब भी नहीं पकड़ पा रहा था तू। तुम लोग के वो हाल है, तुम्हारी कॉपी में ये लिखवा दो ना कि सीता ने राम का अपहरण किया, तुम वो भी लिख लोगे। क्या गलती तुम्हारी नहीं है ना, तुम कॉपी में लिख के ही आए हो। शुरुआत कहाँ से होती थी? नहीं वो तो उसने इसलिए नहीं लिखा है कि गलती से अगर कुछ गलत लिखा हो कॉपी में बाद में पूछी जाए किसकी है, पता ही नहीं चले किसकी है। तुम जानते नहीं हो, ये अपने स्कूल का सबसे बदमाश छोरा रहा है। अब तुम सोचो यूट्यूब पे क्या देखता होगा ये ऐसा। क्यों छोटू, यूट्यूब पे तुम ऐसा क्या देखते हो यार? मतलब सास बहू की सीरियल? हाँ क्या देखते हो? छोटा भीम? तो छोटा भीम तो तुम ही हुए जा रहे हो, देखने की जरूरत क्या है? मतलब कल तो उसने यूट्यूब की स्ट्री छुपा ली। चलो मिक्स डिजाइन मेथड। मिक्स डिजाइन मेथड इसमें बढ़ेंगे आगे। मिक्स डिजाइन मेथड, देयर आर फोर पॉपुलर मेथड्स ऑफ मिक्स डिजाइन। देयर आर फोर पॉपुलर मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन। देयर आर फोर FOUR फोर पॉपुलर मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन। क्या हमें सारे के सारे पढ़ने हैं? नहीं जी, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। पहला पहला मार्शल मेथड, मार्शल मेथड पहला जो आए उनका नाम था मार्शल अंकल। सबसे पहले आए, उन्होंने अपना मेथड दिया। मिक्स डिजाइन का मतलब क्या कि यहां पर हमें कंक्रीट की, नहीं सॉरी कंक्रीट नहीं, यहां पर हमें बिटुमिन वगैरह को मिलाना है। दूसरा आता है हुबार्ड फील्ड मेथड। दूसरा आता है सेकेंड वन हुबार्ड फील्ड मेथड, हुबार्ड फील्ड मेथड, हुबार्ड फील्ड मेथड। तीसरा आता है वीम मेथड। थर्ड वन, थर्ड वन क्या नाम? वीम मेथड। क्या लिखा है छोटू ये? क्या लिखा है? वीम मेथड। एच नहीं है, एच है, एच साइलेंट है। ठीक है लास्ट लिख लीजिएगा स्मिथ ट्राइएक्सियल मेथड, चौथे नंबर पे, फोर्थ वन। स्मिथ ट्राइएक्सियल मेथड, स्मिथ ट्राइएक्सियल मेथड। चार लोग हुए, इन चारों के बातें में हम लोग बात तो पूरा तो नहीं करेंगे। हम लोग सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है इंडिया में उसकी बात करेंगे। और सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन लग रहा है तुम्हें? मार्शल मेथड। तो यहां लिख लेना नीचे जाके कहीं, मोस्ट पॉपुलर कहां पर? ठीक है लिख लो। पहली हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स डिजाइन। पहली हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स डिजाइन। ऑब्जेक्टिव्स
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स डिजाइन. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स डिजाइन लिखिए. पहला, सफिशियंट बिटुमिन टू इंश्योर अ ड्यूरेबल पेवमेंट. पहला आता है, पहले में क्या, सफिशियंट, सफिशियंट क्या चाहिए मुझे, बिटुमिन चाहिए टू इंश्योर टू इंश्योर व्हाट, ड्यूरेबल पेवमेंट है ना. सफिशियंट बिटुमिन चाहिए टू इंश्योर ड्यूरेबल पेवमेंट, जिससे कि हमें पेवमेंट मिल पाए. दूसरा लिख लिए छोटू, दूसरा हमें, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, यहीं पर लिख रहा हूं मैं साइड में यहां से. तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये निकल के आता है यहां पर, सेकंड ऑब्जेक्टिव, ये फर्स्ट था, सेकंड ऑब्जेक्टिव टू हैव अ सफिशियंट स्ट्रेंथ, टू हैव सफिशियंट स्ट्रेंथ ऑफ पेवमेंट टू रसिस्ट द लोड ऑफ ट्रैफिक, लोड ऑफ ट्रैफिक विदाउट शेयर डिफॉर्मेशन, विदाउट शेयर डिफॉर्मेशन, विदाउट शेयर डिफॉर्मेशन. तीसरा आता है, सफिशियंट एयर वॉइड होनी चाहिए इसके अंदर. क्या होना चाहिए, सफिशियंट एयर वॉइड. सफिशियंट एयर वॉइड का क्या काम है, सफिशियंट एयर वॉइड किसमें, बिटुमिन में. सफिशियंट एयर वॉइड इन द कंपैक्टेड बिटुमिन टू अलाउ एडिशनल कॉम्पैक्शन बाय ट्रैफिक. लिख लीजिए थर्ड वन सफिशियंट एयर वॉइड्स sufficient air voids sufficient air voids in the compacted bitumen to allow for additional compaction for additional compaction for additional compaction for additional compaction by traffic. नेक्स्ट लिखिए, सफिशियंट वर्केबिलिटी, ऑब्जेक्टिव में ही है, सफिशियंट वर्केबिलिटी तीसरा हो गया, ये चौथा है,
sufficient workability to permit easy placement without segregation लास्ट लिखिए सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी टू अवॉइड प्रीमैच्योर क्रैकिंग due to repeated bending by traffic. एंड लास्ट इसी में लिखते रहिए सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी एट लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट श्रिंकेज क्रैक्स लिखा. अगली हेडिंग डालिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्स. तो चार टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास. द फर्स्ट वन इज व्हाट बताओ पहला कौन सा है. कोर्स एग्रीगेट दूसरा बताओ फाइन एग्रीगेट. तीसरा बताओ. इन दोनों को फिल करने के लिए जो जगह छूट जाएंगी उसके लिए फिलर. और चौथा बताओ. हाँ, इन सबको बाइंड करने के लिए बाइंडर. चार हैं, है ना. चलो पहला कोर्स एग्रीगेट क्या हो गया. हेडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्स या सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्स, चाहे जो लिख लो. तो कोर्स एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है. इट ऑफर्स स्ट्रेंथ. और स्ट्रेंथ में भी कौन सी, दोनों शेयर एंड कंप्रेसिव, दोनों की दोनों. ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, शेयर एंड कंप्रेसिव.
एंड गुड इंटरलॉकिंग एंड गुड गुड इंटरलॉकिंग एंड गुड इंटरलॉकिंग ये क्या करता है फाइनेग्रेट बताओ इट फिल्स द वॉइड्स ऑफ ऑफ कोर्स एग्रीगेट इट फिल्स द वॉइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट है ना इसके एग्जाम्पल में क्या लिखोगे इसका एग्जाम्पल लिख लेना कभी पूछा जाए तो हाँ बोलो बोलो ग्रेनाइट और इसके एग्जाम्पल में सैंड हाँ नहीं क्ले नहीं आएगी क्ले किस मिक्स कर देंगे क्ले नहीं मिक्स कर सकते रोड है रोड के नीचे है क्ले एक और लिख सकते हो तुम्हारे लिए रॉक डस्ट इज नॉट अ क्ले रॉक डस्ट मतलब जो छोटे छोटे कंकड़ बचे जाते हैं जब पहाड़ों को काटा जाता है तो छोटे छोटे जो बारीक वाली गिट्टी होती है मोटा मोटा ये मोटी वाली गिट्टी है ये बारीक वाली गिट्टी है बस ठीक है शुद्ध भाषा में अगला आता है फिलर ये क्या करता है फिल द वॉइड्स ये क्या करता है फिल द वॉइड्स इन दोनों के बीच के फिल्स द वॉइड एंड स्टिफनेस या स्टिफेंस द बाइंडर अब जो बाइंडर है उसकी भी स्टिफनेस को कौन बढ़ाता है फिलर इसकी एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में इसके पहला तो रॉक डस्ट आ जाएगा कॉमा सीमेंट और लाइम क्या कहे के लिए सेंड होगा क्ले होती है थोड़ी हार्ड रहती है स्टिफन रहती है उसकी सेडिमेंट्री उसमें से आती है सैंड इज द स्फेरिकल पार्टिकल सैंड की सिंपल सी परिभाषा है सैंड कहाँ पाया जाएगा नदियों के किनारे नदियों के नहीं नदियों में नहीं नदियों के किनारे क्या होता है जब बड़े बड़े पहाड़ों को काट के नदियाँ निकल के आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेके आती हैं वो पत्थर धीरे धीरे पानी के प्रवाह की वजह से छोटे छोटे पत्थरों में बटते चले जाते हैं और क्योंकि पानी का फोर्स लग रहा है तो स्फेरिकल होते चले जाते हैं तो वो कंकड़ हैं छोटे 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 अब वो सॉल्युबल भी नहीं है समझ रहे हो ना वही चीज है तो पत्थर ही बट वो छोटे छोटे हो गए हैं लिखा लिखिए बाइंडर के अंदर हाँ जी सीमेंट ये आ गया ना इसमें हम बाइंडर में डाल सकते हैं इसको भी अभी डाल देंगे लिखेंगे बाइंडर फिल्स द वॉइड फिल्स द वॉइड्स फिल्स द वॉइड्स कॉमा cause particle adhesion and
एंड ग्लूइंग, ग्लू जानते हो चिपकाने के लिए ग्लू, तो वही है ग्लूइंग, एंड ऑफर्स इम्परमिएबिलिटी, एंड ऑफर्स इम्परमिएबिलिटी, एंड ऑफर्स इम्परमिएबिलिटी। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, बिटुमिन, एस्फाल्ट एंड टार, बिटुमिन एस्फाल्ट एंड टार। क्या जी आप क्या बोल रहे हैं जी? एस्फाल्ट। छोटे तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर पे जाके? बताओ जी, वो बटन खुल गया है, लगा लो उसको, टूट गया है बटन, खुल गया है, लगा लो उसको। तुमको समझ नहीं आता बटन बटन खुल जाता है तो क्या है छोटू? लिखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्स, लिखिए टाइप्स ऑफ मिक्स, टाइप्स ऑफ मिक्स। टाइप्स ऑफ मिक्स, अब टाइप्स ऑफ मिक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि वेल ग्रेडेड मिक्स, सॉइल के अंदर पढ़ते हैं हम लोग वैसे जनरली ये सब चीजें, बट यहां पर भी क्योंकि मिक्स होना ही है तो पहला आता है वेल ग्रेडेड मिक्स। नाम से ही क्या लगता है कि हर एक टाइप का पार्टिकल पाया जाएगा, हर एक चीज पाई जाएगी, हाँ है ना? नाम से क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा? वेल ग्रेडेड मतलब बहुत अच्छे से ग्रेडेशन किया हुआ है। दूसरा आता है, सॉइल में भी ऐसी पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा आता है गैप ग्रेडेड मिक्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ गैप ग्रेडेड? मतलब एक सिंगल साइज पार्टिकल, एक ऐसी कोई भी चीज, एक सिंगल साइज पार्टिकल जो मौजूद ही नहीं है, हाँ है ना? जैसे मैं वेल ग्रेडेड के लिए कर्व बनाऊं तो कर्व कैसा होगा? यहां से उठा, यहां से उठा, यहां से उठा, यहां से उठा, हर एक जगह, यहां देखोगे तो कोई पार्टिकल है, यहां देखोगे कोई पार्टिकल है, यहां देखोगे कोई पार्टिकल है। लेकिन अगर मैं इसी कर्व को कुछ ऐसे जाके ऐसे बनाऊं, मतलब ये वाला पार्टिकल है लेकिन ये पूरा का पूरा पार्टिकल गायब हो गया। बात समझ आ रही तुमको? अब खैर वो सॉइल की बातें छोड़ दो उसको। अगला यहां पर आएगा ओपन ग्रेडेड मिक्स, ओपन ग्रेडेड मिक्स। अगला लास्ट अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। चारों लिख लीजिए, पहला लिखिएगा वेल ग्रेडेड मिक्स, पहला लिखिएगा वेल ग्रेडेड मिक्स।
नहीं दिया मैंने, गैप ग्रेडेड मिक्स में लिखेंगे, मैं लिख देता हूं गैप ग्रेडेड मिक्स, क्या बोला? सम कोर्स एग्रीगेट साइज पार्टिकल आर मिसिंग, ये था वेल ग्रेडेड में तो लिखवाई दिया था, आवाज आ रही होगी तब, है ना। ओपन ग्रेडेड इसकी बात कर रहे हैं अभी, तो ओपन ग्रेडेड मिक्स में लिखेंगे फाइन एग्रीगेट एंड फिलर आर मिसिंग, है ना, हेंस इट इज पोरस एंड ऑफर्स गुड फ्रिक्शन, इट इज पोरस एंड ऑफर्स गुड फ्रिक्शन, और साथ में क्या देगा? लो स्ट्रेंथ देगा दोस्तों, हाँ है ना, बट हाई स्पीड के लिए यूज किया जाएगा, पहली प्रॉपर्टी पोरस है, स्ट्रेंथ कम है, देखा ना रील्स वगैरह में देखा है तुमने ऐसा रोड जैसे पानी पूरा का डला गया और पूरा का पूरा जमीन ने सोख लिया, देखा है वो पोरस रोड्स होते हैं। लास्ट लिखिएगा अनबाउंडेड, अनबाउंडेड 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 लिखिए, बाइंडर इज अब्सेंट, बाइंडर ही नहीं होगा इसके अंदर, अनबाउंडेड का मतलब वो रोड जिसको हम लोगों ने बाइंडर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो बाइंडर क्या हो गया? मिसिंग या अब्सेंट लिखेंगे, बाइंडर इज अब्सेंट एंड बिहेव्स अंडर, एंड बिहेव्स अंडर, बिहेव्स अंडर लोड्स, बिहेव्स अंडर लोड्स एज, बिहेव्स अंडर लोड्स एज इफ इट्स कंपोनेंट वर नॉट, इफ इट्स कंपोनेंट वर नॉट लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड टुगेदर लिखा, कॉमा, दो गुड इंटरलॉकिंग एग्जिस्ट्स, दो गुड इंटरलॉकिंग एग्जिस्ट्स, लिखा, कॉमा लगा के लिख लीजिएगा, वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एंड नीड्स कर्ब प्रोटेक्शन, कर्ब जानते हैं मैंने फर्स्ट में ही पढ़ाया था, नीड कर्ब प्रोटेक्शन, के ई आर बी होती है स्पेलिंग, नीड कर्ब प्रोटेक्शन साइड से, क्योंकि जब टेंसाइल लोड आएगा तो नीचे की तरफ क्या होगा, ऊपर कंप्रेसिव नीचे टेंसाइल, तो बढ़ने की कोशिश करेगा रोड आपका, और ऊपर से साइड से कर्ब प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। छोटू समझ में आ रहा तुमको? बताओ बेटुआ, चलो आगे लिखो, डिफरेंट लेयर इन पेवमेंट, बेटा कहाँ जा रहे हो छोटू, तुम उठ के बैठ जाओ नीचे शांति से, डिफरेंट लेयर्स इन अ पेवमेंट, डिफरेंट लेयर्स, यहाँ से पेवमेंट डिज़ाइन के अंदर हम एंट्री करेंगे, पहले मिक्स डिज़ाइन को पढ़ते हुए।
different layers in a pavement. छोटू, बेटा छोटू तुम बताओ कौन कौन सी लेयर होती हैं? लिखेंगे इसमें नाम, बिटुमिनस बेस कोर्स, पहला बिटुमिनस बेस कोर्स, बिटुमिनस बेस कोर्स, दूसरा बिटुमिनस बाइंडर कोर्स एंड तीसरा एस्फाल्टिक, पहला था बिटुमिनस बेस कोर्स, दूसरा बिटुमिनस बाइंडर कोर्स, दूसरा बिटुमिनस बाइंडर कोर्स, तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए एस्फाल्टिक ऑब्लिग बिटुमिनस कंक्रीट, एस्फाल्टिक ऑब्लिग बिटुमिनस कंक्रीट। चलो अब लिखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ को ही देखें। लिखिएगा ज़रा डायरेक्ट, मार्शल मिक्स डिज़ाइन, मार्शल मिक्स डिज़ाइन, हाँ जी हेडिंग है दोस्त, मार्शल मिक्स डिज़ाइन, मार्शल मिक्स डिज़ाइन। मार्शल मिक्स डिजाइन लिखिए, द मिक्स डिजाइन ब्रैकेट में लिखिएगा वेट डिजाइन, द मिक्स डिजाइन ब्रैकेट में लिखिएगा वेट डिजाइन, डब्ल्यू ई टी, मिक्स डिजाइन ब्रैकेट में वेट डिजाइन। लिख के हो जाए तो बताइए, लिखिए डिटरमाइंस द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, लिखा नीचे लिखिए, फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिटुमिनस, फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिटुमिन्स, बिटुमिनस मिक्सेस, फॉर परफॉर्मेंस, फॉर इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिटुमिनस मिक्सेस, फ्लो टेस्ट एंड स्टेबिलिटी टेस्ट आर परफॉर्म्ड, फ्लो टेस्ट एंड स्टेबिलिटी टेस्ट आर परफॉर्म्ड। ध्यान से देखिएगा, बात आई कि मुझे कौन सा मेथड पढ़ रहा हूं मैं, मार्शल, आगे मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन, हाँ है ना, तो पहली बात तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन। मार्शल मेथड ऑफ मार्शल मेथड ऑफ मिक्स मिक्स डिजाइन। अब मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो मुझे इसमें कई सारी चीजें निकालनी है, जैसे कि
पहला मैंने बोला थियोरटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या निकालना है? थियोरटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि सही से सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो पहला निकालना है मुझे थियोरेटिकल व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा निकालना है मुझे, बोलो, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। आगे दो चीजें तो ये हो गई जो कि हम लोग कहीं ना कहीं देख चुके थे कि क्या होगा, हाँ है ना, जो कि क्या होगा। क्लियर है मेरी बात? आगे परसेंटेज एयर वॉइड, तीसरी मुझे चीज निकालनी है परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स। तीसरा निकालना है परसेंटेज परसेंट वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। पहले मैं GTGM, इसको तो GT से निकालेंगे हम लोग, डिनोट करेंगे इसको GM, और परसेंटेज एयर वॉइड को मैं डिनोट कर रहा हूँ VV से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक तरीके से। और अगला मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें निकालना है परसेंट वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, इसको दिखाते हैं VB से। एंड द लास्ट वन जो हमें निकालना है दैट इज परसेंट वॉइड इन मिक्स एग्रीगेट। पांचवा परसेंट वॉइड ऑफ मिक्स एग्रीगेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में VMA से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? VMA से दिखाते हैं। क्लियर है मेरा बात? VMA से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं किससे? VMA से। क्लियर है? चलिए तो पहला इनको लिख लीजिए, फिर हम लोग फर्स्ट निकालेंगे थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स।
लिखेंगे थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, लिखिएगा लिखिएगा थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जी टी इज स्पेसिफिक, थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जी टी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी विदाउट कंसीडरिंग एयर वॉइड्स, विदाउट कंसीडरिंग एयर वॉइड्स, विदाउट कंसीडरिंग एयर वॉइड्स, विदाउट कंसीडरिंग एयर वॉइड्स, तो यहां पे अगर देखा जाए यहां पर अगर देखा जाए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे पास है सर कोर्स एग्रीगेट, हमारे पास है सर फाइन एग्रीगेट, बोलो हां, हमारे पास है सर फिलर, और सर हमारे पास है बाइंडर, एंड सर लास्ट हमारे पास है एयर वॉइड रहेंगे। तो सर यहां की अगर बात की जाए इस कंप्लीटली इस पूरे के पूरे डायग्राम में, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम किससे बनेगा, एयर के वॉल्यूम को हम लोग थोड़ा सा क्या, क्योंकि वॉल्यूम वाइट उसी में रहेगा, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम कौन सा है, इतना, बोलो हाँ। और इसके वेट की बात करूं तो यहां पर है वेट, और हर एक चीज के वेट को मैं अलग अलग दिखा सकता हूं। मैंने W1 से दिखाया बाइंडर के वेट को, W2 से दिखाया फिलर के वेट को, जो भी मटेरियल है ना भाई, एयर का वजन जीरो, और तीसरा W3 और चौथा W4, इस तरीके से मैंने इनके सबके अलग 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 वजन को दिखा लिया है। अगर आप सॉलिड के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में एयर आएगा क्या, नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में तो नहीं आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करूं तो मैं वो यहां से यहां तक होगा, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको मैंने किससे नोट किया है, जीटी से, वो क्या हो जाएगा कि मुझे भाई इस सब का मिक्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, लेकिन 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 मिक्स करके निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, सबकी अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन G1 प्लस W2 अपॉन G2 और प्लस W3 अपॉन G3, सबकी अलग अलग दी होगी, और W4 अपॉन G4। इस तरीके से हम लोग यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल निकाल लेंगे। क्लियर है मेरी बात, लिख लीजिए।
द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा वाला द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और द एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी और द एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स ऑफ द मिक्स इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसीडरिंग एयर वॉइड्स considering air voids considering air voids and is found out by दिखाना किससे है बोलो जी GM से अगर मैं कंप्लीट टोटल वेट ले लूं मैंने यहां से निकाला हुआ है W1 प्लस W2 W3 W4 एंड इसके भी WA को भी ले लूं मैं तो सबको मिला के मैं क्या WM बोल सकता हूं हाँ है ना मैंने बोला कि WM और WM आप समझते हैं कि सबका पूरा का पूरा वेट इंक्लूडिंग द एयर क्लियर अब मैं उस तरीके से नहीं लिख रहा हूं इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं दूसरा सर WM टोटल और सर इसमें से माइनस कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सर एयर वाला एयर में कौन आएगा एयर को रिप्लेस करके कौन आ सकता है वहां अगर मैं पानी डालूं तो वाटर के बराबर होगा तो वो डब्लू डब्लू इतना सा फॉर्मूला बनता है आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं वॉल्यूम के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे सर वॉल्यूम के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे टोटल वेट सर WM टोटल वॉल्यूम सर मिक्स का और माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर सर लेकिन आपको यहां पर फिर से क्योंकि वाटर वॉल्यूम ले रहे हो आप तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू बिकॉज गामा इज इक्वल टू सर वेट अपॉन वॉल्यूम होता है तो वेट को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा वही वेट को रिप्लेस किया हुआ है हाँ या ना बाकी ये बायोएंसी के लॉ से आता है ना थोड़ा सा मैंने नॉर्मली जनरली लिखवा दिया है बाकी आता बायोएंसी के लॉ से है प्रॉपरली हम लोग सॉइल के अंदर भी पढ़ते हैं दोनों का डिफरेंस लेके आते हैं WM है WM वेट ऑफ मिक्स इन एयर वेट ऑफ मिक्स इन एयर वेट ऑफ मिक्स इन एयर ब्रैकेट में लिखना एक्चुअल वेट और WW लिख लीजिए वेट ऑफ मिक्स इन वॉटर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बायोएंट वेट बायोएंसी वाला बायोएंट वेट बायोएंट वेट लिखा लास्ट लिखिए एयर वॉइड्स परसेंट हो गया ये सबका एयर वॉइड्स परसेंट लिखेंगे एयर वॉइड को कैसे दिखाया है वीवी से लिखिए एयर वॉइड इज द परसेंट ऑफ एयर वॉइड बाय वॉल्यूम एयर वॉइड इज द परसेंट ऑफ एयर वॉइड बाय वॉल्यूम इन द स्पेसिमेन एंड इज गिवन बाय परसेंट ऑफ वॉल्यूम कहाँ लिख रहे हो एयर वॉइड इज द परसेंट ऑफ एयर वॉइड
by volume. Air void is the percent of air void by volume in the specimen, in the specimen, and is given by, and is given by, and is given by. तो VV को अगर आपको दिखाना हो, VV is equal to GT minus GM, दोनों निकाल चुके, divide by GT into 100. का है तुम लिखो अभी तुम ना चलिए इसका प्रूफ वगैरह मैं कल बताता हूँ ठीक है आज के लिए इतना ही कि ये सही लिखा है कि गलत क्योंकि क्वेश्चन आपने उठाया है तो सही लिखा है कि गलत प्रूव आप ढूंढ के आइएगा ठीक है